सूर्य मिशन की आ गई तारीख, 2 सितंबर को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन। 19 सितंबर को लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर। रिलायंस AGM की मीटिंग में हुआ बड़ा ऐलान, जियो 5G में हमारी अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर में बदलाव लाने की क्षमता, मुकेश अंबानी का बड़ा बयान। अब चीन में दाखिल होने पर नहीं कराना होगा COVID-19 टेस्ट, सरकार ने 30 अगस्त से हटाई पाबंदी। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक, 9 से 10 सितंबर के बीच नवनिर्मित भारत मंडपम सम्मेलन स्थल में G20 बैठक के आयोजन की वजह से किया गया फैसला। दिल्ली को G20 सम्मेलन से पहले मिलेगी 400 इलेक्ट्रिक बसें, DTC के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब होगी 800 के पार। राजस्थान की प्रियं सेन ने दुनिया में रोशन किया भारत का नाम, जीता मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध टिकी ने की बड़ी घोषणा, उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। पाकिस्तान ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए लॉन्च की अपनी नई जर्सी, सामने आई पहली तस्वीर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, रिलायंस जियो फाइनेंशियल में रही गिरावट।